झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ जाति का मामला सामने आया है। इसको लेकर पीड़िता ने एक फौजी के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। इस मामले में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने डरा धमकाकर उसके साथ में जाति की और आरोपी खुद शादीशुदा है तथा उसके दो बच्चे भी हैं। उसके बाद भी उसने ऐसा घिनौना कृत्य किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा आरोपी की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। एक लड़के ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया, एक सुना करता, उसने मेरे को धमकी देके और वहाँ मेरे को ले गया और फिर उसने मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती की। मैंने उसको बोला कि छोड़ दे, तेरी नौकरी भी चली जाएगी और तेरे बच्चे भी चले जाएंगे, फिर भी उसने नहीं छोड़ा मेरे को। फिर उसने दूसरे दिन तक मेरे को रखा, फिर उसने पुलिस में फ़ोन करवा दिया, बोला कि ऐसे बोल दे मैं बच जाऊँगा और तू ऐसे बोल दे कि मेरे घर वालों ने मेरे को मार के निकाल दिया और पुलिस आ जाएगी, फिर तेरे को घर पर छोड़ देगी, फिर तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा। पुलिस ने मेरे को घर पे छोड़ दिया। फिर मेरे घर वालों ने मेरे को कहा कि हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, तू बता तेरे को कौन क्या कर रहा था। फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे उसने खाने में दवा के लिए बोला था, मैंने डाल दी, उसने धमकी दी थी कि मैं तेरे घर वालों को तो मार दूंगा और तेरे को उठा ले जाऊँगा अगर नहीं जाएगी।